सरकारी सिस्टम ने एक जिंदा किसान को मृत बता दिया है। परेशान किसान खुद को जिंदा बताने के लिए 2 सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसान ने खुद को जिंदा साबित करवाने के लिए रिश्वत तक दे डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जवाबदार अधिकारी इसे मामूली बात कह रहे हैं। सरकार के सुशासन के दावे के बावजूद सिस्टम में तमाम खामियां हैं। सागर जिले के बंडा के किसान गणेश सिंह को ही देख लीजिए। गणेश सिंह जिंदा है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इन्हें मार दिया गया है। किसान गणेश सिंह को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहली किस्त 2000 रुपये देने के बाद इस किसान को पोर्टल पर मृत घोषित कर सहायता रोक दी गई। इसका पता जब किसान को लगा तो उसने मामले की शिकायत पटवारी से लेकर आला अधिकारियों तक से की। अब 2 साल से किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, बावजूद ना तो किसान को निधि मिली और ना ही पोर्टल पर सुधार किया गया। बरहौल सर्किल के रामपुरा मौजा गांव के किसान गणेश सिंह का कहना है कि वह जीवित हैं, खेती किसानी करते हैं। इसके बाद भी पीएम सम्मान निधि पोर्टल पर उन्हें मृत दिखाया गया, इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। पीड़ित किसान के अनुसार उसने सरकारी पोर्टल पर अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए 500 रुपये की रिश्वत भी पटवारी को दी, परंतु पोर्टल पर सुधार नहीं हुआ। 2019 में एक किस्त मिली थी जी किसान निधि में जी जी, और फिर किस्त नहीं मिली सो हमने उसको खोज बलो करो जी। सो उन्हें पटवारी जी ने कही कि तुम्हें इसमें डेट माने मृत्यु घोषित कर दिया जी गया जी है। तो फिर हमने उनसे कही कि भैया इसको सुधार कर दो जी। सो वे बोले के सुधार हो सका थे पंचायत का प्रस्ताव ले आओ जी। सो हमने पंचायत का प्रस्ताव सरपंच की सील, सचिव के दस्तखत सील और 4 आदमों के दस्तखत करवा के ले गए जी। अब उनने कही कि हमें खर्चा दे दो जी। अब उनने 500 रुपया हमसे खर्चा मांगा, खर्चा भी लाओ हमसे 500 रुपया लाए। काय के लाने लाए जी? जे खर्चा हूँ केले सुधरवाने के लिए। अच्छा, सुधरवा नहीं अभी तक? अब उनने नहीं सुधरवा। फिर हम उनने नहीं सुधरवाए, 1 महीना का टाइम मांगा जी। फिर हम 1 महीना बाद गए सो तहसीलदार साहब के तक पहुंचे। सो तहसीलदार साहब ने लिख के दई के इनका सुधार किया जाए जी। फिर जे बोले पटवारी के इसका कोई ऑप्शन नहीं है सुधार जी जी, तुम कहीं भी चले जाओ सुधर नहीं सकता है, सुधर नहीं सकता वो बोल रहे जी पटवारी। पटवारी जी इस मामले में बंडा तहसीलदार का कहना है कि पीएम किसान निधि पोर्टल पर गलती से जीवित किसान को मृत बता दिया गया है। ये बड़ा मामला नहीं है, ये क्लरिकल मिस्टेक है जिसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा। वो सीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड है, उसमें वो व्यक्ति अपात्र है क्योंकि उसकी पत्नी को ऑलरेडी सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। तो एक परिवार में एक ही को मिलेगा, या तो पति को मिलेगा या पत्नी को मिलेगा। चूँकि पत्नी को पहले से मिल रही है इसलिए वह व्यक्ति अपात्र है, और यह कोई बड़ा मामला नहीं है, क्लेरिकल मिस्टेक है। उसको सिस्टम में ऑनलाइन जाके अन्यथा पात्र करना था, उसमें नीचे वाला बटन क्लिक हो गया है, क्लेरिकल मिस्टेक है, वो ठीक कर दिया जाएगा। उसमें मृत की जगह अन्यथा पात्र में फिर से सुधार दिया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।